फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी आ जाइए, देखते हैं कौन कौन है क्लास में। फटाफट से सभी तेजी से आ जाएंगे। प्रीतम सिंह, राक्षस, नेहा, संध्या, अंगद, अंजना, कपिल, जटपुरा, मधेशिया राज, संध्या, रति पाठक, अंजु मलिक, अभिराज, नेहा द्विवेदी, कल्पना, आशु, संध्या, गरिमा और अब तो रही सेम ही आ रहे हैं, संध्या गुप्ता, विकास, अभी, इनोसेंट जाट, गरिमा, आशु, मोनिका, अलका, अरिजीत, रति, कल्पना, सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी जल्दी से आ जाइए और सभी मिलके क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितने भी यहाँ पर नए साथी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, मैंने बोल दिया है बिल्कुल। अब ना देखो ध्यान से, जो भी टॉपिक सब सारा कुछ समझ में आना चाहिए। न्यू सूरज, सीमा, आलोक, डीपी मंसूरी, राहुल गौतम, अंजना तिवारी, चलिए फटाफट से आ जाएंगे। प्रीतम सिंह, आलोक, तन्वी जायसवाल, शिवानी, वकील, हाँ, न्यू सूरज, विकास, मोनिका, पूजा रानी, पूजा, रति पाठक, प्रद्युमन कुमार, श्रेया, तन्वी, राहुल, चलिए फटाफट से सभी आ जाएंगे। सभी मिलके एक बार क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप सब अच्छे से जानते हैं जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस का चल रहा है, 66 बीपीएससी प्री का चल रहा है और 65 बीपीएससी टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस की। तो जो भी जिसको रिक्वायरमेंट है, जिस कोर्स में आपको पढ़ना है, तो वो कोर्स आप देख सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाकर, और सारी इंक्वायरी वगैरह जो है कॉलिंग नंबर दिए हुए हैं वहां पर कॉल कर लेना। तो चलिए सभी ठीक है ना उपासना? चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। अरिजीत शर्मा, गुड आफ्टरनून आपको भी। पूनम साहू, गुड आफ्टरनून। चलिए अब गुड आफ्टरनून हो गया है। न्यू सूरज, अब देखो बिल्कुल ध्यान से सारे बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्या करवाया था मैंने, रुको इसे मैं बड़ा कर लेती हूँ। मैंने आपको करवाई थी कल की क्लास में, एक मिनट रुको, अच्छी बात है कपिल जी, अच्छी बात है। हाँ, यहाँ कल मैंने क्लास में यहाँ पर छोड़ा था, याद होगा ना सबको, कल मैंने क्लास में यहाँ पर छोड़ा था जब मैंने कहा था कि देखो नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट आते हैं, डबल ए ट्रिपल एम एन टी यहाँ पर चल रहे थे ना हम सब बच्चे। अच्छा नीतीश पॉल, आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मैं बहुत देर बाद क्लास मिली है? एग्जामपुर आईएसपीसीएस चैनल पर जाया करो, होम पर जाया करो, होम पर जाके ना देख लिया करो ना किस किस की लाइव स्ट्रीम आने वाली है वहां पे सब कुछ। अब पता है वहां पे अगर तुम होम पर जाके देखोगे ना, होम लिखा रहता है, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी और उसके आगे अबाउट चैनल लिखा रहता है। तो वहां पर आप जाया करो, होम पर क्लिक कर दिया करो। होम पर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शाम तक कौन कौन से लाइव आने वाले हैं, किस पर, एग्जामपुर आईएसपीसीएस चैनल सर्च कर। समझ रहे हो ना इतनी बात? आप ये कहते हो ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देख लिया कि मैम आपकी क्लास में बहुत ढूंढने से मिली है। और देखो अगर तुम ना एग्जामपुर आईएसपीसीएस चैनल सर्च किया, सर्च करने के बाद आप वीडियोस पे क्लिक करोगे, वीडियोस पे क्लिक करोगे, क्योंकि ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए आते हैं ना कि सबसे पहले होम लिखा हुआ आता है, सेकंड नंबर पर वीडियोस, थर्ड नंबर पर प्लेलिस्ट, ये सब लिखे हुए आते हैं ना, फोर्थ नंबर पर आपका कम्युनिटी की पोस्ट लिखी हुई आती है। तो वीडियोस पे अगर वीडियोस पे क्लिक करोगे ना, तो फिर जितनी क्लासेस अब तक हो चुकी है, मान लो आपको सुबह के 7 बजे की क्लास देखनी है, तो वीडियोस पे क्लिक कर दो, बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पता नहीं कैसे नहीं मिलती, मेरे को समझ ही नहीं आता है। आदित्य प्रताप, चलिए अंजु मलिक, अब हम बातें नहीं करेंगे, अब क्लास में इधर ध्यान देंगे। और सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ही लिखनी है, वो भी कैसी पढ़ने वाली, समझ लो ना, कोई बातें नहीं करेगा मेरे से। चलिए इधर देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया था ना, थार डिजर्ट कहाँ पर है, सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पर है, गंगेटिक प्लेन, ये जो गंगेटिक प्लेन है ना, जितना ग्रे कलर में रखा है सारा गंगेटिक प्लेन है आपका, और ये वेस्ट हिमालयस है सारे, जितना भी ग्रीन कलर का पोर्शन है, और यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डबल ए ट्रिपल एम एन टी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर में शामिल है। आगे आते हैं, चलो इसके बाद आप सब बच्चे देखेंगे, ये मैं कल दिखा रही थी ना, अगर आपसे कहे बैतूल पठार, क्योंकि बैतूल पठार से बताइए कौन सी नदी निकलती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, जरा देखते हैं किस किस का आंसर सही आएगा। कि मध्य प्रदेश का जो बैतूल पठार है, ये लिखा हुआ बैतूल पठार,
मध्य प्रदेश के बेतूल पठार से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर देंगे। और नर्मदा वैली है, बरवानी हिल्स, उमाटवाड़ा प्लेटू कहाँ पर पड़ता है? उमाटवाड़ा पठार आपका कहाँ पर है? तो आप सब बच्चे आंसर देंगे, मैं मध्य प्रदेश में स्थित है। रेवा प्लेटू इधर की साइड है। सागर प्लेटू, उमाटवाड़ा प्लेटू और यह है सोंडवाना प्लेटू। तो ये सारे हम पठार के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपको ये मध्य प्रदेश के पठार अवश्य याद करने हैं। समझ रहे हो ना? रेवा प्लेटू, सागर प्लेटू, उमाटवाड़ा प्लेटू और सोनवाड़ा प्लेटू, कंजाटा प्लेटू और शिवपुरी प्लेटू, लक्षर प्लेट। बस इतना याद करना है आप सबको। ये इमेज आप देख लीजिए ध्यान से, मैं एक मिनट से ना, अब ओके है। देखिए एमपी की इमेज मैंने ना यहाँ पर दिखा दिए, स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो, जो भी, मैं सामने से हट गई हूँ, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े चलिए। तो ये हाँ देखते हैं क्या आंसर दिया। देखो बस चाची कौन है? आदित्य प्रताप। अब ये तोप चाची वगैरह छोड़ो, देखो तापी नदी नहीं निकलती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से? सारे के सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं। चलो छोड़ो, कोई नहीं। अब देखो यहां से ये सतपुड़ा एंड विंध्या पठार के विषय में इंग्लिश में सब कुछ दिया हुआ है। समझ रहे हो कि द सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज लाइज इन सेंट्रल इंडियन एंड बोथ दीज रेंजेस रन पैरेलल टू ईच अदर। देखिए रन पैरेलल टू ईच अदर यानी सिंपल सी लैंग्वेज है। देखो पहली लाइन में सुनेंगे, ये लिखा सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्या पहाड़ी जो है मध्य भारत में, दोनों रेंज एक दूसरे के ईच अदर लिखा हुआ है, एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल मींस एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर है। कौन कौन सी रेंज भारत में एक दूसरे के समानांतर है? तो सतपुड़ा और विंध्या रेंज एक दूसरे के समानांतर है। सिंपल यही तो लिखा हुआ है। देखो सतपुड़ा एंड विंध्या रेंज इन सेंट्रल इंडिया, इन सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में, ये दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर है। इतना देखो यहाँ पर मैं सामने से हट गई हूँ, ये सब लिख लेना। आउट ऑफ दीज टू सतपुड़ा रेंज इज हायर इन लेंथ एंड इट इज द सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक नर्मदा एंड ताप्ती। मतलब यहाँ से आपकी ना नर्मदा और ताप्ती नदियां निकलती हैं, ये भी याद रखेंगे। इनका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक है? तो आप बोलेंगे मैम जो इनका विस्तार है ना सतपुड़ा और विंध्या का, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ये सब याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। ओके ये आपको इतना अच्छे से पॉइंट्स याद रखने। बाकी देखिए यहाँ पे भी मैंने कल की क्लास में बता दिया था, विंध्या रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? कैमूर रेंज। और आपका जो सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी धूपगढ़, ये याद रखेंगे। समझ रहे हो ना? चलिए तो ये देख लेना, ये मैंने कल की क्लास में आपको वैसे सब कुछ बता दिया है। ये देखो ध्यान से यहाँ पर ना देख लेना, ये कल की क्लास में आपका हो गया है अच्छे से। चलिए इसके बाद आपको जो पढ़ना है कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन, भारतीय मरुस्थल, अब इसका विस्तार, भारतीय मरुस्थल रह गया था, भारतीय मरुस्थल को पढ़ते हैं। इसका विस्तार देखो, भारतीय मरुस्थल के विषय में सारे बच्चे याद करेंगे, ये मैंने कल की क्लास में बता दी थी वो सारे पीडीएफ। अब देखो भारतीय मरुस्थल के विषय में यहाँ पर बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है? इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। भारतीय मरुस्थल यानी जो इंडियन डेजर्ट है, भारतीय मरुस्थल ये आपका कहाँ कहाँ अवस्थित है, कहाँ कहाँ पड़ता है? सबसे पहले तो ये याद रखेंगे 25 सेमी वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। समझ में आया क्या 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 बोला मैंने? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले, क्या बोला इसको ध्यान से सुनो, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले या उससे कम वर्षा वाले स्थान को भारतीय मरुस्थल में शामिल किया जाता है। मतलब कितनी सेंटीमीटर की वर्षा होगी? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले, ये लिख दिया है मैंने कि 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले, वार्षिक वर्षा वाले या उससे कम, या उससे कम,
पहले तो ये लाइन याद करो, कम वर्षा वाले स्थान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? आप बोलेंगे भारतीय मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। ये वाला पॉइंट याद हो गया। अब ये जो भारतीय मरुस्थल है, मैं आपको ना यहाँ दिखाती हूँ। देखो भारतीय मरुस्थल पश्चिम में अरावली पर्वत, जैसे ये भारतीय मरुस्थल है, मान लो ये आपका इंडियन डेजर्ट है। ये क्या है, सारे बच्चे देखेंगे कि मैम ये ना हमारा इंडियन डेजर्ट है, ये हमारा मरुस्थल है। पश्चिम में अरावली रेंज, तो पश्चिम में ये कौन सी रेंज, पश्चिम किधर होगा इसका? देखिए अब देखेंगे ध्यान से, तो इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक आपको ना मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, और उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। मतलब ये जो भारतीय मरुस्थल है ना, दक्षिणी गुजरात तक, याद रखेंगे दक्षिण में गुजरात के मैदान तक, मतलब थोड़ा सा गुजरात के मैदान तक भी लगता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और जो मरुस्थल की डेफिनेशन है ना, वो ये है कि 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले या उससे कम वर्षा वाले स्थान को मरुस्थल की संज्ञा में रखा जाता है। लेकिन जो यहाँ पर वर्षा होती है ना, वो 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, याद रखेंगे कि मैम यहाँ पर शुष्क वनस्पति रहित क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद याद हो गया इतना सबको। और राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। राजस्थान में कैसी भूमि को, जो बांगर वाली भूमि होगी ना, उसको क्या कहा जाता है, तो ये याद रख लेना कि रोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोही कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। कल्पना शाक्या, तेलंगाना कर्नाटक का पठार में मैंने इमेजेस होगी आपकी, तो वो या तो रह गई होगी, मैंने करवा दिया है, वैसे कर्नाटक का नहीं करवाया, लेकिन शिलोंग पठार, अरे कल ही तो शिलोंग पठार हुआ है, मेघालय के पठार को ही शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हो? देखो किसने बोला कि मैम आपने ये नहीं करवाया, तो ये कल्पना शाक्या कह रही है। कल्पना शाक्या, कर्नाटक प्लेटू का आपको इमेज मिल जाएगी वो जो इसमें पीडीएफ में, लेकिन जो शिलोंग पठार है ना, वो मेघालय पठार को ही कहा जाता है शिलोंग पठार, समझ रहे हो? अरिजीत शर्मा, हाँ कल मेरे पास वैसे बच्चों के कमेंट्स में मैसेज भी आए थे, दो के आए थे कि मैम पीडीएफ ना ओपन नहीं हो रही है, ना तो आइलैंड की ओपन हो रही है और ना ही हिमालय की ओपन हो रही है। चलिए कोई नहीं, मैं उसे ना आज आपकी सही करवा दूंगी, सही करवा दूंगी मैं सर से बोल के। चलिए हुआ बिल्कुल, देखिए मैंने ना आपको सारे पठार करवा दिए जितने इंपॉर्टेंट है, शिलोंग पठार को ही मेघालय का पठार कहा जाता है, ये याद रखेंगे बात। चलो तो यहाँ राजस्थान की उर्वर भूमि को, जहां पर खेती करने लायक भूमि होती है, उसको क्या कहा जाता है? सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे कि मैम रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? रोही कहा जाता है। आगे देखो, देखिए ये पूरा राजस्थान है, अब पूरे राजस्थान में तो थार का मरुस्थल पड़ेगा नहीं, तो राजस्थान में थार का मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, ये देखिए खुद अपने आंखों से देखिए, सारे बच्चे जल्दी से देखिए कि थार का मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, ये दिख रहा है थार का मरुस्थल, पूरा ये तो पूरा राजस्थान है ये जो ऐसे कलर में, लेकिन सिर्फ देखो पूरा राजस्थान लिखा हुआ है ना इस कलर में, जो है ना जो इस कलर से हो रहा है वो पूरा राजस्थान है, लेकिन जो ये रेड कलर हो रहा है सिर्फ थार का मरुस्थल यहीं पर ही अवस्थित है। चलिए वहां की, अच्छा विकास चौधरी भी कह रहे हैं कि मैम कोई पीडीएफ भी ओपन नहीं हो रहा है, अच्छा चलो मैं ठीक करवा दूंगी। इनोसेंट जाट, और इनोसेंट जाट ने कल ये बोला कि मैम आपकी, हाँ कमेंट्स, कल तो आपकी कोई कमेंट्स ही नहीं आई थी, इनोसेंट जाट मैंने पढ़ा था और आपने यहाँ पे लाइव में लिखा था मैम बहुत अच्छी कमेंट्स आएगी, लेकिन आई नहीं थी। चलिए ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया, पीडीएफ के बारे में आप ना परेशान मत हो सारे बच्चे, मैं पीडीएफ आपकी अपलोड करवा दूंगी, बिल्कुल परेशान मत हो ना, शाम मैं बोल दूंगी सर से, वो कर देंगे। चलिए थार रेगिस्तान पता चल गया कि देखो ये पूरा थार रेगिस्तान, अब मैं इसका ना मैप दिखाती हूँ राजस्थान का। अब देखो पहले इसको नोटिस करो कि देखो ये जो ऐसे ऐसे था ना, देखो ध्यान से,
ऐसे याद करा करो कि जो ये देखो ये ए, ये देखो ये इस तरीके से। अब देखो अब वहां पे देखना अपना जो आपको एक मिनट, अब जो ये वाला आ रहा है ये देखो इसको ही ले जाओ अगर ऐसे करके, तो इस जगह आपका देखो ये पूरे यहां तक इतने में आपका क्या पड़ता है, थार रेगिस्तान पड़ता है, थार मरुस्थल पड़ता है यहाँ पर ये देखो। तो ये थार मरुस्थल में कौन कौन से एरिया आ गए, जैसलमेर, बीकानेर, थोड़ा सा गंगानगर भी आ गया, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। अब पता चल गया कि यहाँ पर राजस्थान के पुनीत शर्मा कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ ओपन तो हो रही है, अब मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं एक बार ना मैं सर से बता दूंगी, वो देख लेंगे अपना, आप परेशान मत हो, चलो ठीक है। अब आप पढ़ाई पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने ये बताया कि थार का मरुस्थल राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट देखो पहले, सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, इधर देखो सब बच्चे, तो जैसलमेर में, बाड़मेर में, अब ये नहीं कि थार का मरुस्थल पूरे राजस्थान में पड़ता है, उधर की साइड नहीं पड़ता है, किधर की साइड पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है सिर्फ, समझ रहे हो ना, इस जगह पड़ रहा है, ये देख लो ध्यान से कहां पर पड़ रहा है, जल्दी से देखेंगे सारे बच्चे, जल्दी से फटाफट से, चलिए तो पता चलिए ना कहां कहां पड़ता है। अच्छा नहीं किया इनोसेंट घाट, नहीं किया मैंने देखा, अच्छा अभी देखती हूँ, अभी जाके देख लूंगी, अभी पता चल जाएगा। देखो थार मरुस्थल जो है भारत के उत्तर पश्चिम में, कहां पर, अगर कोई पूछे थार मरुस्थल भारत के उत्तर में और पश्चिम में तथा पाकिस्तान के किधर पड़ता है, तो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, थार का मरुस्थल भारत में उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान में किधर पड़ता है, दक्षिण पूर्व में। पहले तो ये लाइन याद करो कि मैम जो थार का मरुस्थल है ना वो भारत में तो उत्तर पश्चिम में पड़ेगा तथा पाकिस्तान में किधर पड़ेगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब यह अधिकांश जो थार मरुस्थल का जो पूरा अधिकांश भाग है ना वो राजस्थान में ही स्थित है, परंतु कुछ भाग इसका हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, पंजाब में भी देखने को मिलेगा, गुजरात में भी देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के सिंध में भी देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध में भी फैला हुआ है और अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। मैं कहने लगी कि अरावली पहाड़ी के किस तरफ पड़ता है थार का मरुस्थल, तब आप सब बच्चे आंसर देंगे मैम अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। कमेंट सेक्शन में बताइए अरावली पहाड़ी के किस दिशा में थार मरुस्थल स्थित है, तो आप सब आंसर देंगे मैम अरावली पहाड़ी के कौन से किनारे पर पड़ता है, कौन सी दिशा में, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है थार मरुस्थल। याद हुई ये पॉइंट्स। अब ये जो मरुस्थल है ये बालों के टीलों वीलों से पूरा, आपको बताइए थार का मरुस्थल कैसे होगा, आपने इमेजेस देखी हुई भी है। अच्छा नकुल नागर ठीक है आरके भाई, तो अब मैंने बताया क्या क्या याद किया, आप सब बच्चों ने रिवाइज करो जल्दी से। मैंने आप सबको बताया कि जो थार मरुस्थल है वो भारत के किस दिशा में है, भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान की किस दिशा में है, तो पाकिस्तान के थार मरुस्थल किस दिशा में पड़ता है, तो आप बोलेंगे मैम थार मरुस्थल पाकिस्तान में दक्षिण पूर्व में पड़ता है और इसका कुछ भाग जो राजस्थान में तो है ही, मुख्यतः राजस्थान में पड़ता है, लेकिन राजस्थान के बाद हरियाणा में भी थोड़ा सा विस्तार है, पंजाब में भी है, गुजरात में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है ये थार मरुस्थल, समझ रहे हो इतनी बात, ये याद करना है सारे बच्चों को। और अरावली पहाड़ी के किस दिशा में स्थित है, तो आप सब आंसर देंगे मैम अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है थार मरुस्थल, पश्चिमी किनारे पर। क्लियर ये पॉइंट्स। नेहा द्विवेदी, पूजा रानी, बातें मत कीजिए, चलो पढ़ाई की जो मैं बोल रही हूँ ना उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाओ। भूपेंद्र गौतम, आईएएस 2021, आलोक आर्मी, बिल्कुल सही है, कोई नहीं साहिल, चलो आ जाओ अब समझ आया ना। मधेशिया राज, न्यू सूरज, डीपी और मंसूरी, आशु, पुनीत, सचिन, अब खुद समझ लेना, अब मैं इसको कर रही हूँ रफ। और ये देखो थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान मैप दिखा दिया, ठीक है इधर नहीं पड़ता टोंग, ये देखो बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में,
क्लियर यहाँ तक इमेज देख लेना, इधर की तरफ पड़ता है आपका जैसलमेर, देखो कहाँ है, ये है, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, लो बड़ा कर दिया, अब आप आराम से देखो इस मैप को, देखोगे ना तो जिससे आपको ना ये चीजें फिर याद हो जाएंगी कि इस तरफ पड़ता है, बस इस तरफ, ये देखो ये सिर्फ इस तरफ पड़ता है, तो इस तरफ में देख लेना क्या क्या पड़ रहा है, समझ में आया। बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में, थोड़ा सा गंगानगर में, आगे आते हैं। अब ये तो आपको क्लियर होगी ही होगी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लिखे हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल, खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये वाला पॉइंट सारे बच्चे याद करेंगे ध्यान से, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। चलिए, राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल, खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये वाला क्लियर। और कच्छ मैं आपसे कहने लगी कि भारत में किस मरुस्थल को सफेद मरुस्थल कहा जाता है, भारत में कच्छ के रण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी याद कर लेना कि मैम भारत में कच्छ के रण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, सफेद मरुस्थल। भारत में सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर दीजिए, तो आप सब आंसर देंगे कि मैम भारत में सफेद मरुस्थल किसको बोला जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, कच्छ के रण को बोला जाता है। समझ आया, समझ आया, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। हाँ, अब आपको याद हो गया ना अनुराग चंदेल, और अनुराग चंदेल आप बातें मत करो जया मौर्या से, अभी कल्पना शाक्या, इनोसेंट आर्ट, मधेशिया, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से जो जो मैंने बोला, और सभी मिलके अब देखो जिन्होंने जिनको समझ आ गई है, अच्छा भूपेंद्र गौतम, ठीक है, और सभी बच्चे क्लास को ना लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जल्दी से, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर देंगे। तो अब आप याद रखेंगे, देखो तो अब आपको समझ आया ना कि सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है भारत में, तो सब क्या आंसर देंगे कि मैम सफेद मरुस्थल भारत में कच्छ के रण को बोला जाता है, कच्छ के रण को। चलिए अब चलते हैं हम आगे, और आपको बताइए राजस्थान में अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही पानी पाया जाता है, अधिकांश नदियों में जब वहां पर वर्षा होगी ना राजस्थान में, तभी वहां की नदियों में जो है पानी देखने को मिलेगा, यानी राजस्थान की नदियां कैसी हैं, जल्दी बताइए कैसी हैं, सारे बच्चे बताएंगे, मौसमी है। और यहाँ की जो सबसे अच्छी नदी है ना वो लूनी है, लूनी को याद रखेंगे, लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। देखो मैं तुम्हें ना लूनी दिखाती हूँ, ये रही लूनी नदी आपकी, ये देखो ये रही लूनी नदी, हाँ ये है लूनी नदी, ये देखिए ये जो ब्लू कलर के में बताया ना ये, और ये हो गई इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, ये देखिए ध्यान से देखिए खुद, मैं सामने से हट गई हूँ फिर आपको पता भी चल जाएगा अच्छे से, लूनी नदी। और लूनी नदी के विषय में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देती हूँ, लूनी नदी की लंबाई कितनी है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, बताओ लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे मैम इसकी जो लेंथ है, लंबाई बताइए कितनी है, 320 किलोमीटर, पहला पॉइंट क्लियर। और लूनी नदी ये मैंने बता दी है, देखो ये रही लूनी नदी, ठीक याद हुआ लूनी नदी का, समझ आया। और ये कहां से निकलती है, तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली पहाड़ियों से निकलती है, कहां से निकलती है जल्दी से याद करेंगे, इतने में इसका यहां पर उद्गम भी लिख देती हूँ, उद्गम कहां से, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से, अरावली ये भी याद हो गया अरावली पहाड़ी से, ओके। और ये कहां पर इसका जो मुहाना बनता है, ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त कहां होती है, गायब कहां होती है, विलुप्त गायब कहां होती है, ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि मैम कच्छ के रण में, कहां पर, कच्छ के रण में। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया कि मैम कच्छ के रण में ये गायब हो जाती है, और ये एक अंतरवाही नदी है,
और ये लवण नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये है एक अंतरवाही नदी, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है और वो अंदर ही अंदर समा जाती है। ये एक अंतरवाही नदी है और यह एक लवण नदी भी है। इसे यह एक लवण नदी भी है, इसको ये भी बोलते हैं कि मैम ये एक लवण नदी भी है। लवण नदी, भारत में लवण नदी किसे बोला जाता है? तो आप बोलेंगे मैम लूनी नदी को लवण नदी भी बोला जाता है। और सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जमाई, ये जरूर अच्छे से याद रखेंगे। सरस्वती, बूंदी, सुकरी, सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई लूनी की सहायक नदियां हैं। क्या है ये सब? लूनी की सहायक नदियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। इसकी सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां हैं। चलिए तो सरस्वती, देखिए नाम भी लेंगे सारे बच्चे, वरना नाम लेना नहीं आएगा आप सबको। सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई, सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई, सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई लूनी नदी की सहायक नदी है। इसको लवण नदी भी कहते हैं। यह एक अंतरवाही नदी है। अंतरवाही नदी ऐसी नदी होती है जो अपना जल कहाँ नहीं गिराती, समुद्र में नहीं मिलाती है। ये पहले ही समुद्र में मिलने से पहले ही वहीं विलुप्त हो जाती है। तो ये कहाँ विलुप्त होती है, कहाँ गायब होती है, ये क्या लिखा हुआ है? कच्छ के रण में। लूनी की लंबाई कितनी है? तो लूनी की लंबाई है, लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम होता है वो अजमेर के किस तरफ से होता है? दक्षिण पश्चिम में। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। और सरस्वती नदी का उद्भव एक और पूछा जाता है, जो ये सरस्वती है ना, इसकी सहायक नदी, तो इसके बारे में भी एक पॉइंट लिख लो कि जो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के विषय में एक पॉइंट लिख लेंगे और इसे आप सबको याद करेंगे। लूनी नदी के विषय में सरस्वती नदी कहां से निकलती है? तो आप बोलेंगे मैम जो सरस्वती नदी है ना, इसका उद्गम पुष्कर झील से होता है। कहां से होता है जल्दी से बताइए कि मैम सरस्वती नदी पुष्कर झील से, पुष्कर झील से निकलती है, पुष्कर झील से। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लूनी किसकी, लूनी की सहायक नदी कौन सी है, तो एक एग्जाम में पूछा गया, तो आप बता देंगे सरस्वती, अगर ये ऑप्शन में दिया होगा। अब ये जो सरस्वती नदी है ये कहां से निकलती है? तो पुष्कर झील से निकलती है। बस लूनी के विषय में ना आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। चलिए रिवाइज कीजिए सारे बच्चे एक और बार। अब समझ आया लूनी के विषय में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार याद करेंगे कि लूनी की लंबाई कितनी है, तो लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। समझ आ रहा है? न्यू सूरज, सोनम, डीपी मंसूरी, कल्पना शाकिया, सूरज, सचिन सैनी, आशीष कुमार रावत, प्रियंका 9060 मनी, रति पाठक, याद हुआ सबको? उषा शर्मा, बताइए यहां तक क्लियर हो गया ना सारे को? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अंजू साहू, अंजू मलिक, चलो जल्दी से बताओ। आरके भाई, समीक्षा, रीमा और संध्या, मीनाक्षी, डीपी, कलना, कल मेरे पास, हाँ ये है अंतरिक्षा सिंह, आलम खान, ऐश्वर्या, अरिजीत, आलोक, कल्पना, उपासना, याद हो गया ना? चलो अब जो जो देख रहा है ना एक बार मिलके सारे बच्चे प्लीज क्लास को लाइक करेंगे और उसके बाद मैं फिर आगे बताती हूँ। ये चीजें याद कर लेना, जल्दी से कर दीजिए एक बार सारे बच्चे मिलके क्लास को लाइक। और जो ऑफलाइन कमेंट्स आई थी सबकी बहुत अच्छी थी, सारे बच्चे आज भी कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको बताएं कि मैं डेली आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। और इनोसेंट जाट, आपने तो कल कमेंट्स ही नहीं की थी, मेरे को कहीं नहीं मिली कल शाम, ठीक है? अच्छा पुनीत शर्मा, कोई नहीं, बता दीजिए आप। चलो मोहम्मद नदीम, स्वीट स्वीट एंजल, एच के गौतम, चलिए रावण जी इधर देखिए। चलिए तो अब मैंने याद करना है, याद करो एक बार, फिर मैं नेक्स्ट पीडीएफ पर आ रही हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आगे चलो सारे बच्चे एक बार रिवाइज करते हुए। लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रिवाइज करो, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से। ये कहाँ गायब होती है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह एक अंतरवाही नदी है और यह एक लवणीय नदी भी है। और इसकी जो लूनी की सहायक नदियां हैं, सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं
जवाई। कितना सिंपल आंसर है, किसकी सहायक नदियां कोई पूछेगा? सरस्वती, बूंदी, जवाई, सुकरी। बस सरस्वती, बूंदी, जवाई, सुकरी इसकी लूनी की सहायक नदियां हैं। और सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप सब आंसर देंगे मैम जो सरस्वती नदी है ना वो पुष्कर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पुष्कर झील से इसका उद्गम होता है सरस्वती नदी का। क्लियर? अब आपको याद हो गया? चलो जल्दी बताओ। नेहा द्विवेदी देखी थी आपकी भी और आरके भाई की भी देखी थी आप दोनों, और विपिन तिवारी की भी। आज विपिन तिवारी नहीं है क्लास में, अभी तक दिखाई नहीं है रति पाठक। चलिए विपिन तिवारी तो आज दिखे नहीं क्लास में, कोई नहीं। सीमा चौरसिया, अंजना आलम, चलो जल्दी से देखो ध्यान से। ठाकुर पंकज, याद हो गया ना? मैं नेक्स्ट पीडीएफ पर आ जाऊं। क्लियर हो गई लूनी नदी? जल्दी से बताओ, मैं नेक्स्ट पीडीएफ पर आती हूँ। चलो इतने में इसको रफ करती हूँ, आप जल्दी से बोलो क्लियर हो गया मैम, आगे बता दीजिए। तो लूनी नदी आज आपको एक नदी अच्छे से याद कर लेना घर पे जाके, ठीक। अरे अंकित सिंह देखो ऐसा कुछ नहीं है, अब ना हर आप ना अलग अलग बुक पढ़ोगे, इसकी लंबाई आपने देखा होगा पहाड़ी की भी, नदियों की लंबाई हर जगह हर बुक में अलग अलग देखने को मिलती है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि हम कोई सी बुक पढ़ेंगे अरे उसमें लंबाई इतनी है, इसमें लंबाई इतनी है, ये कंफ्यूजन होता रहता है। लेकिन आप ना थोड़ा देख लिया करो बस, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मेरे एग्जैक्ट ठीक होगा, लेकिन अब ये है ना जो तुम सब अलग अलग बुक पढ़ते हो, मेरी अपनी कुछ और है, तो वो इसलिए अलग अलग हो जाती है सारी चीजें। चलो चलिए, तो अजमेर में है। इसके बाद यहाँ की धरातलीय स्थलाकृतियां भौतिक अपक्षी एवं पवनों द्वारा निर्मित होती हैं। मतलब ना याद रखना राजस्थान में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है रेत के द्वारा। तो रेत के द्वारा देखो रेत के टीले बनेंगे, बरखान बनेंगे और छतरक बनेंगे। ये तीन चीजें याद कर लेना कि मैम जो एच के गौतम मिल जाएगी, एच के गौतम जी जरूर मिलेगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर रेत के टीले, बरखान, छतरक, यहाँ पर क्या बोला, ये जो आकृतियां है ना किससे बनती है? तीनों आकृतियां किससे बनती है? रेत से बनती है। वो भी कहां पर बनती है? थार के मरुस्थल में। तो ये वाला पॉइंट याद कर लेना। चलिए मोनिका पवारिया, बिल्कुल। अभी ना आपका नाम बताती हूँ किस किसने कमेंट की थी, पता चल जाएगा। बरखान देखो, बरखान ये होते हैं, ये दिख रहा है बरखान क्या होते हैं? बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। और ये देखो राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जैसलमेर दिखाया था ना, सबसे पश्चिम में पड़ा था बिल्कुल कोने में। ध्यान से याद करो, अभी जल्दी बताओ। अंजना तिवारी, अब ना देखो आप ना कोई बच्चे बात नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। बरखान, बरखान को अगर पूछेगा तो क्या होता है बरखान, तो आप क्या लिख कर आओगे एग्जाम में कि मैम अर्धचंद्राकार बालू का टीला। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे को यही लिख के दिखाओ, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बरखान क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बरखान क्या होता है तो आप सब क्या लिखेंगे कि मैम अर्धचंद्राकार बालू का टीला होते हैं। और ये देखो कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद कर लो कि मैम ये जो बरखान है राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। दो का आंसर दो जल्दी से, फटाफट से दो, जल्दी से आंसर दीजिए कि बरखान जो है राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और इनको बरखान के समूह कहते हैं कि जो रेत होती है ना वो उड़ उड़ के दूसरी तरफ क्या करती है, रेत को इकट्ठा करती है और चंद्रमा जैसी आकृति बना देती है, तो उसको बरखान बोलते हैं। बस ये है, समझ आया? और ये जो बरखान कहाँ बनते हैं राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं, तो ये लिखा जैसलमेर, ओके। अब पलाया क्या होता है? देखो पलाया, पलाया ना ये देखो ये लिखा पलाया लेख, मतलब ना जो वो होता है ना रेत, रेत के बीचों बीच ना थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। देखो ये लिखा हुआ है ना पलाया, ये यहाँ पे ना पहले इसको देख लो, ये पलाया लेक, ये दिख रहे हैं ना, ये पूरा रेत है और रेत के बीचों बीच में ये पानी से इकट्ठा हो गया, तो देखो पानी पलाया लेक, यानी लेक ही होती है और छोटी सी होती है, उसको पलाया बोलते हैं। ये देखो देखो ध्यान से देखो पलाया क्या होता है, पानी ये दिख रहा है ना सारे बच्चों को, देखिए ध्यान से दिख रहा है ना, पलाया, बालसन और ये सब याद कर लेना, ठीक है। तो लेक का ही वो होता है। अब देखो इसे मैं शॉर्ट में दिखाती हूँ आपको, ठीक। ये देखो चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को
पलाया कहते हैं। अब आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे कि पलाया क्या होता है, तो आप आंसर देंगे कि चोरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली कौन सी झीलों को, छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया किसी को कहते हैं, छोटी झीलों को। चोरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। बस ये याद करना है कि जो पलाया है ना, किसी जो पलाया वाली आकृति है पानी से ही बनती है और छोटी छोटी झील होती है, बस इतना याद कर लेना। चोरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया के एग्जाम्पल दीजिए सारे बच्चे, तो डीनवाना झील, कुचामन झील, सरगोल झील, बस ये आपको याद रखना है। ये पानी से बनी हुई छोटी सी झील, पानी से बनती है पलाया, ठीक। चलो जल्दी से फारिया, अंजना, अंजलि, इरुडाइट, अंजन, चलिए सचिन सैनी, अंजू, मिन्नू सैन, दिख रहा है ना? अब दिख गया, अब ये समझ में आया। पलाया की एग्जांपल याद कर लेना, डीनवाना झील, कुचामन झील, सरगोल झील, ये तीनों क्या है, ये झील है। डीनवाना झील, कुचामन झील, सरगोल झील, ये झील है। चलिए समझ आया ना देव प्रताप, ठीक है। इसके बाद देखो पलाया, चोरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। पलाया ये देखो मैंने बनाया ना, बरखान क्या होता है, आप बोलेंगे अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, और पलाया क्या होता है, चोरस अथवा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को, कैसी झीलों को, छोटी झीलों को, सिर्फ छोटी झीलों को ही पलाया कहते हैं, क्लियर। चलिए तो अब इसको भी याद हो गया आपको। अब सांभर झील, अब ये जरूर याद कर लेना, जो सांभर झील है वो किसका उदाहरण है, क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहने लगी, मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ जो सांभर झील है वो किसका उदाहरण है, तो क्या लिखा हुआ है ऊपर, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दो। सांभर झील किसका उदाहरण है, जल्दी बताओ। चोर, अरे चोरस क्या होता है, अरे देखो ये फैला हुआ नहीं है, इसके चारों समतल जमीन को, समतल जमीन में तो ये पलाया दिखने को मिलते हैं, ये दिख नहीं रहे, ये बस इसको लिख दिया है थोड़ी किताबी लैंग्वेज में, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक। चलो अब सांभर झील किसका उदाहरण है, बॉलसन का। सांभर झील किसका उदाहरण है, अगर पूछने लगा कि बॉलसन जो है किसका उदाहरण है, तो आप बोलेंगे सांभर झील का, तो सांभर झील किसका उदाहरण है, बॉलसन का, याद हुआ। बताइए एच के गौतम, सचिन, शिवम, स्मार्ट स्टडी, और सभी मिलके क्लास को लाइक शेयर करेंगे, और जितने भी बच्चे देखो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से अवेलेबल हो जाएगी, ओके। और सारे बच्चे देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर हो गया ना सबको, चलो तो क्लियर हो गया ना, फटाफट से भर क्लास को अच्छे से लाइक शेयर करो, आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर नहीं करते हो आजकल, सारे बच्चों की व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, देखना आप व्यूज कितने कम हो गए हैं पहले से, ठीक। जरा थोड़ा सा ना शेयर वगैरह कर दिया करो, पहले से व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज कम नहीं आने चाहिए, ना ही आपकी कमेंट्स कम होनी चाहिए, ना ही आपके व्यूज कम होने चाहिए, सही है। तो व्यूज लाने के लिए आप थोड़ा सा हेल्प करो, सारे बच्चे शेयर किया करो, सारे बच्चे देखो अपने साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है इतना अच्छा कॉन्टेंट मिल रहा है, तो आप दूसरों का भी भला कर दो थोड़ा सा जाके। चलो विवेक पाठक, गुड आफ्टरनून, फारिया, अंजना, ठीक है। अरे अंजना तिवारी, अभी देखो मैंने ये सब दिखाया तो था, ये रहा बालसन, ये सब रेत में ही बनते हैं, ये रेत की आकृति है, ये तुम्हें ना मैं कल या परसों में इनको सबके एक एक चैप्टर लेकर आऊंगी, अच्छे से तब याद कर लेना। ये मतलब बालसन लिखा हुआ है, बजाडा ये लिखा हुआ, पलाया ये एलुवियल फैन, ये पलाया लेक, ये होती है पलाया लेक, ये सब रेत में बनने वाली आकृतियां हैं, बस अभी इतना याद रखो, बाकी हम बाद में बताएंगे, ठीक। चलिए हाँ बिल्कुल, चारों तरफ से समान, बिल्कुल चौरस, बिल्कुल चारों तरफ से समान, और उसमें बीच में आपको पलाया देखने को मिल जाती है छोटी झील। अब ये देखो, द थार डिजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैं आपसे कहने लगी जो हमारा थार का मरुस्थल है वो भारत की कौन सी दिशा में अवस्थित है, तो आप सब क्या आंसर देंगे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, तो आप बोलेंगे द थार डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइज, LIES है वो,
ठीक है वो लाइंस गलत हो गया, उसको ठीक कर लेना। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी उत्तर पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये उत्तर है, ये पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। पहली लाइन के लिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इट फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह है पाकिस्तान और भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है। दूसरी लाइन भी समझ में आ गई, यह है पाकिस्तान और भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। नेचुरल बाउंड्री लिखा हुआ है ना, नेचुरल बाउंड्री, तो नेचुरल बाउंड्री को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक सीमा बनाता है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इन इंडिया, भारत में, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू पंजाब, इन द वेस्ट टू पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ। समझ लेना इसमें, है ना। हरियाणा के, देखो हरियाणा के किस तरफ पड़ता है, उत्तरी हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। और पंजाब, तो कौन से पंजाब में पड़ता है, पश्चिमी पंजाब में पड़ता है। ये देखो मैं तुम्हें इस तरीके से इसको लाइन को ऐसे कर देती हूँ, उत्तरी हरियाणा में, पंजाब पश्चिमी पंजाब में, ठीक है, और गुजरात में, और राजस्थान में तो मुख्यतः पड़ता ही पड़ता है। समझ आई ये वाली लाइन भी? चलिए तो इसके बाद अगले पे आते हैं। However, a major part of this desert lies in Rajasthan. मतलब जो इसका मुख्य भाग है ना, वो देखो ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है कि however, a major part of this desert lies in Rajasthan. कि इसका जो मुख्य भाग है, main part, major part, major means मुख्य, part means हिस्सा, मुख्य हिस्सा इसका किसमें पड़ता है, राजस्थान में ही स्थित है, मुख्य हिस्सा। The Thar desert experiences very hot summer. मतलब यहाँ पे ना बहुत ही गर्मी होती है, और द डेज आर वेरी हॉट, दिन में तो बहुत गर्मी होती है, बट द नाइट्स आर कूलर, लेकिन जो रातें होती हैं वो ठंडी हो जाती है। रेत दिन में गर्म रहेगा जब सूरज की गर्मी पड़ेगी, लेकिन रात में जब चंद्रमा की उस पे रोशनी जाएगी तो वो ठंडा हो जाता है, तो द नाइट्स आर कूलर, ओके। कि राजस्थान में जो दिन होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, और जो रातें होंगी वो उतनी ही ज्यादा ठंडी होती हैं। दूसरे पे आते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन में, इन विंटर द डेज आर वार्म बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। इन विंटर, सर्दियों में, द डेज आर वार्म बट द, जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, बट द नाइट्स, लेकिन जो रात है वो क्या होती है, वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इस लाइन की भी समझ में आई, समझ आया। अब इसके बाद, द थार डिजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, देखो कितनी कम वर्षा प्राप्त करता है, एज ए रिजल्ट इट रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई, तो ये लगभग सूखा ही रहता है। जब भाई यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो ये सूखा ही रहेगा। ये भी क्लियर हो गया, समझ आ रही ना ये लाइन, ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है। प्लीज आपको मैं हिंदी समझा रही हूँ ना, तो याद कर लेना। अच्छा पुनी शर्मा, थैंक यू वेरी मच, चलिए अच्छी बात है। सचिन, न्यू सूरज, अंजु मलिक, विनय गौतम, आशीष, पुष्पा, इनोसेंट, चलिए मदेश राज, आलोक, विवेक, चलो इधर देखो ध्यान से क्या क्या बताया, समझ आया ना। ये राजस्थान के विषय में थोड़ी वैसी बातें भी हैं, देखो कि रातें तो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, लेकिन दिन बहुत गर्म होते हैं। द थार डिजर्ट, जो थार मरुस्थल है, बहुत ही कम वर्षा प्राप्त करता है, एज ए रिजल्ट इट रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई, और यहाँ इसीलिए हमेशा सूखा की अवस्थिति बनी रहती है, सूखा की अवस्थिति बनी रहती है। हाउएवर, फिर भी, इन रिसेंट टाइम्स ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंज, लेकिन कभी कभी आपको पता है इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, सम रीजन इन राजस्थान एक्सपीरियंस फ्लड्स ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून के दौरान कभी कभी थोड़ी सी फ्लड भी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। द थार डिजर्ट इज कवर्ड बाई शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, इट इज स्मॉल हिल फॉर्म्ड बाय द विंड ब्लोइंग ओवर, जब ये ना रेत के ऊपर हवा चलती है तो ये सैंड ड्यून्स वगैरह बना देता है, सैंड इन द डिजर्ट, द डिजर्ट आल्सो हैज ओएसिस, और ये ओएसिस भी रखता है, ओएसिस आपको मैं बताऊंगी अभी नीचे है। द सोयल अराउंड एन ओएसिस इज फर्टाइल, जो ओएसिस के चारों ओर जो सोयल है, मिट्टी है, वो कैसी है, फर्टाइल, यानी कि उर्वर है,
उर्वर है, समझ रहे हो। एंड डेट पाम्स, और यहाँ पे आपको डेट पाम्स यानी खजूर के पेड़ मिलेंगे देखने को, एंड अदर प्लांट्स और अन्य प्लांट्स ग्रो अराउंड इट, और यहाँ पर अन्य पेड़ पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया। अब देखो, बिसाइड डेट पाम्स मैनी बुशेस एंड शर्ब्स लाइक खेजरी, कीकर, कैक्टस एंड बबूल ग्रो इन द थार डेजर्ट। अब देखो मतलब कि ना थार मरुस्थल में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आ जाओ सारे बच्चे, इधर देखो। आप बोलेंगे मैम एक तो ये खजूर, जब रोजा होता है तो रोजे में जो मुस्लिम लोग होते हैं वो देखो खजूर से ही आपको अफतारी करते हैं, आप सब अच्छे से जानते होंगे। खेजरी के पेड़ों की पत्तियां ऐसी होती है, आपको कीकर देखने को मिलेगा, आपको ये ऐसे ऐसे केक्टस मिलेंगे, ये देखो ये केक्टस, केक्टस बहुत ही विभिन्न वेराइटीज में देखने को मिलते हैं, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। समझ रहे हो, समझ आ रहा है ना कुछ सब कुछ। इंग्लिश में देख के ना पीडीएफ डरा मत करो, मैंने तुम्हें समझा दिया है, क्योंकि मैं हिंदी आपको बता देती हूँ, नहीं बताती, हिंदी पूरी एक्सप्लेन की है मैंने कि बिसाइड्स डेट पाम्स कि खजूर के पेड़ के अतिरिक्त मैनी बुशेस कई झाड़ियां एंड शर्ब्स लाइक खेजरी, खेजरी, कीकर, कैक्टस एंड बबूल ग्रो उगते हैं इन द थार डेजर्ट, कि थार डेजर्ट में ये सब देखने को उगते हैं, ये जो जिनके कांटे होते हैं, नागफनी, नागफनी भी बोलते हैं इन्हें, और आपको पता है ये ना कम पानी में ही बड़े हो जाते हैं, इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। चलिए अब समझ आया। अब देखो यहाँ पे इनोसेंट डाट, बातें मत करो, तुम सब बच्चे बातें करते हो, ये हमें पढ़ने आते हो, मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ, ये देखो कि ये जो कीकर के ये खेजड़ी के पेड़ की पत्तियां ऐसी होती है, केक्टस ऐसे होते हैं, खजूर ऐसे दिखने में होती है, ये खजूर का पेड़ है, ये देखो ध्यान से। और द डिजर्ट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट, मतलब यहाँ पे देखो कितने टूरिस्ट प्लेस है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर, यहाँ आप घूमने जाओगे तो आपको पता नहीं नाहरगढ़ का किला और पता नहीं कौन कौन से किले देखने को मिलेंगे, तो वो सब याद कर लेना। समझ रहे हो ना, हाँ, कि यहाँ पे थार मरुस्थल में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये सब याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, क्लास ठीक है सर। तो ये आप याद रखेंगे, राजस्थान में प्लेसेस लाइक जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर आर वेल नोन फॉर देयर फोर्ट्स, तो ये आपका ना बहुत अच्छे से फोर्ट्स के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक, अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में देखो क्या क्या देखने को मिलता है, देखो क्या क्या मिलेगा। देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स, कई तो नेशनल पार्क है इन राजस्थान विच आर होम टू एनिमल्स सच एज ब्लैक बक, ब्लैक बक देखने को मिलेगा, और क्या चिंकारा देखने को मिलेगा, इंडियन वाइल्ड आस मिलेगा एंड केमल देखने को मिलेगा, ये भी याद करेंगे। देखो अब इसमें से जो चिंकारा है, चिंकारा तो ये है, ये चिंकारा है, ये आपका ब्लैक बक है और ये आपका वाइल्ड आस है, और यहाँ के नेशनल पार्क बताओ कौन कौन से हैं, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ के नेशनल पार्क बताएंगे कौन कौन से पढ़ते हैं, राजस्थान के नेशनल पार्क जल्दी से बता दीजिए। और सारे बच्चे क्लास को लाइक शेयर भी करेंगे, चलिए ठीक है। समझ आया, तो ये सब याद कर लेना। इसके बाद आपको जो याद करना है, देखिए ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन अरावली हिल्स ऑफ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, जो कुंभलगढ़ फोर्ट है आपका वो कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दिस फोर्ट हैज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल इन चाइना, ठीक है ये याद कर लेना। तो ये देखो यहाँ पर ये सभी अभी आपको मैंने इमेजेस दिखा दी, इसके विषय में बता दिया कि थार मरुस्थल में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ की जो जो स्पेशल खास चीजें थी, जो भी नेशनल पार्क हैं, ठीक है, कि रणथंबोर है, केवला देव है, ये सब आप अच्छे से याद कर लेना, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, हाँ ठीक है, सरिस्का है, रणथंबोर है, केवला देव है, ये सब याद करेंगे। और इसके बाद नेशनल पार्क, ये तो आपको देखो ध्यान से, चलिए तो ये सब देख लेंगे, तो ये
आपको देखो कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन अरावली हिल्स ऑफ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ना कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सब आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मैम ये जो है ना ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको क्या क्या याद करवाया, ठीक जल्दी से बताएंगे और सारे मिलके अब देखो जिसने अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जिस बच्चे ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे वो मिलके पहले तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यहाँ पर जितने भी नए साथी जुड़ेंगे, जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं UP SSSC लोअर PCS मेंस का, 66 BPSC प्री का और हमारी टेस्ट सीरीज है BPSC की, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जाकर डाउनलोड कर लेना और अच्छे से जो भी आपको इंक्वायरी वगैरह लेनी होगी वहां पर नंबर लिखे होंगे तो वहां पर आप कॉल करके सारी सुविधाएं आप सबके लिए, बस आप पूछ लेना उनसे, ठीक। चलिए तो अब देखिए सर क्लास लेंगे, उजेर सर की क्लास है 2 बजे से, सब बच्चे तैयार रहेंगे उजेर सर की क्लास लेने के लिए और सारे बच्चे क्लास को लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे। अभी जल्दी से देख लो फटाफट से ये सब चीजें, पीछे का एक और बार देख लो मैंने क्या क्या यहाँ पर बताया आप सबको, ये पलाया बताया था और ये बरखान बताया, ठीक, और ये क्या बताया, लूनी नदी के विषय में सारा याद कर लेना, और इसके बाद मैंने ये राजस्थान में थार मरुस्थल किस साइड पड़ता है ये याद करना है, ये रहा थार मरुस्थल, और इसके बाद थार मरुस्थल के विषय में खास बातें याद कर लेना और ये सब आपको याद करनी है सारी चीजें। सतपुड़ा और विंध्या रेंज मैंने कल की क्लास में बताई दिया था, ठीक। चलो तो यहीं पर ही हम क्लास को रोकेंगे, ये सब आप चीजें याद करेंगे और सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ऑफलाइन कमेंट्स करके भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। सारे बच्चे ऑफलाइन कमेंट्स करके भी बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, यहीं पर ही क्लास रोकेंगे। थैंक यू वेरी मच।